Assalamu alaikum, good morning dear students. Today we are going to discuss about the sound produced by humans. यानी इंसान जो आवाज़ पैदा करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक ए बी. पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 5.8. Do you feel any vibrations? In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air, as shown in figure 5.8. So dear students, इंसानों के अंदर आवाज़ किस तरह बनती है ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है. आप क्या करेंगे, आप ऊंची आवाज़ में थोड़ी देर बात करें या गाना गाएं या मक्खी की तरह बज जैसी बी जिस तरह मक्खी की आवाज़ निकलती है भूं भूं की, उस तरह की आवाज़ निकालें. और उस वक्त ऐसा करते वक्त अपने जो थ्रोट है जिस तरह फिगर 5.8 में दिखाया गया है अपने थ्रोट को टच करें आप या उसको पकड़ लें. तो उस वक्त क्या आपको, यानी जब गाना गा रहे हैं आप या मक्खी जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, क्या उस वक्त आपको अपने गले से जो वाइब्रेशन फील होती है? तो यकीनन वहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होगी. इंसानों के अंदर आवाज़ जो है वो लैरिंग्स से बनती है, उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. ये लैरिंग्स जो है ये जब हम खाना खाते हैं तो हमारे गला जो है या कोई चीज़ निकलते हैं तो ये जो गला है नीचे से आप देखें जिस तरह फिगर 5.8 में दिखाया गया है ये एक बम्प जैसा है, यानी बाहर को निकला हुआ थोड़ा सा ये हमारा लैरिंग्स है. और ये जो विंड पाइप होता है जो लंग्स के अंदर से आता है ये विंड पाइप का सबसे ऊपरी सिरा होता है और इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वो वॉइस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर इस तरह स्ट्रेचड होते हैं कि उनके अंदर से बिल्कुल बारीक सी पैसेज, बारीक सा रास्ता बनता है हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए. जब लंग्स से हवा बाहर निकलती है फोर्स के ज़रिए, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट होते हैं, इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे आवाज़ बनती है. और इन वोकल कॉर्ड्स के साथ जो मसल्स हैं, जो इनके साथ मसल्स जुड़े हुए हैं वो आवाज़ को, वो उन कॉर्ड्स को जो है टाइट या लूज़ करते हैं, यानी बंद और खोलते हैं. और जब ये वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं और पतले होते हैं उस वक्त जो आवाज़ निकलती है इनसे उसकी क्वालिटी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है उस वक्त से जब जब वो यानी लूज़ होते हैं और मोटे होते हैं. अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वोकल कॉर्ड्स किस तरह काम करते हैं. उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी में हमें दो रबर स्ट्रिप्स लाने हैं एक ही साइज़ के और उन दो पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख कर हम टाइटली हम स्ट्रेच करेंगे उनको. और अब उनसे हम क्या करेंगे, उनके बीच में से हम जो है जो गैप है उसको उसमें हम हवा से ब्लो करेंगे जिस तरह फिगर 5.9
9 में दिखाया दे गया है। यानी यहाँ पर फिगर 5.9 ए और बी में हमें दिखाया गया है कि जब दो रबड़ हम नीचे और ऊपर रखकर बिल्कुल स्ट्रेच करके हाथों से उनको दूर दूर पकड़ के रखेंगे खींचकर, तो उनके बीच से हम हवा पास करने की कोशिश करेंगे अपने मुंह से, तो वहाँ पर आपको आवाज़ निकलेगी, आवाज़ सुनाई देगी। और इसी तरह आप एक कागज़ का पतला सा जो है टुकड़ा लाएंगे और उसको भी इसी तरह अपनी उंगलियों के बीच में रखकर आप जो है उनमें से हवा गुजारने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनमें भी आवाज़ बनती है। वोकल कॉर्ड जो होते हैं इंसानों के अंदर, अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों में यानी मेन में ये 20 mm लंबे होते हैं और वुमेन में ये उससे 5 mm छोटे यानी 15 mm होते हैं। चिल्ड्रंस जो हैं बच्चे छोटे, उनके वोकल कॉर्ड थोड़ा छोटे होते हैं और इसीलिए जो मर्द हैं उनकी आवाज़ जो है वो औरतों और बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ होती है, भारी होती है। तो ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब इससे आगे जो है वो इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर